ऑटोमेटिक स्टार्ट है, यानी तीन प्रकार का आपका स्टार्टर बढ़िया। मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। आज अपना जो टॉपिक है वो है सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कहीं अगर है कि दो फेजा के बीच में किसी कंट्रोल वायरिंग होती है। सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के अंदर एक एनसी पॉइंट, एक एनओ पॉइंट, जो इसका ऑन पुश बटन है, यानी इस ऑन पुश बटन को आपको कुछ समय के लिए आपको दबाए रखना है। उस समय स्टार कॉन्टेक्टर और मेन कॉन्टेक्टर काम करेंगे। जैसे ही आप ऑन पुश बटन से अपने हाथ को हटाएंगे, उस समय मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर आपका काम करेगा। अब इसकी जो कंट्रोल वायरिंग है दो पेजों के बीच में, एक पेज की आपको वायरिंग किसमें देनी है, थर्मल ओवरलोड रिले में। ये क्या है, थर्मल ओवरलोड रिले का सिंबल है। थर्मल ओवरलोड रिले के बाद में थर्मल ओवरलोड रिले सीधे ओ पुश बटन में जो नॉर्मली क्लोज होता है, उसके बाद में यहाँ से सप्लाई ऑन पुश बटन में, ऑन से एनसी में, एनसी से स्टार कॉन्टेक्टर और दूसरी फेज में, और एनसी ओ पुश बटन से दो हाफ आपको उठानी है और एक मेन में लेनी है नॉर्मली ओपन, दूसरे स्टार में लेनी है नॉर्मली ओपन में। यहां से आपको हाफ मेन में लेनी है और यहां से एक ब्रांच को नॉर्मली ओपन यानी नॉर्मली क्लोज के साथ डेल्टा में जोड़ना। अब इसको प्रैक्टिकली रूप से देखें तो ये इसकी कंट्रोल वायरिंग के रूप में अपने पास सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्ट कर ये रहा। तो इसके अंदर देखो तीन कॉन्टेक्टर होते हैं, ये आपका मेन कॉन्टेक्टर, ये आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर और ये आपका स्टार कॉन्टेक्टर। यानी कई दफे एग्जाम में सवाल आ जाता है कि ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में कॉन्टेक्टर कितने होते हैं, तीन कॉन्टेक्टर होते हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर, स्टार कॉन्टेक्टर। अब बात करें इसकी जो कंट्रोल वायरिंग की है सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा की, वो किस प्रकार से की। हालांकि इस सर्किट डायग्राम से भी समझ सकते हो, इसकी बजाय ये आपके लिए इजी होता है। इसमें क्या है, प्रत्येक एनवीसी को, रिले को, कॉन्टेक्टर को आपको चेक करना आना चाहिए। उसके बाद में ये नॉर्मली क्लोज यानी ओ पुश बटन, ये नॉर्मली ओपन ऑन पुश बटन, यहां से आप एनवीसी की एक हाफ को सीधी एक फेज के बीच में जोड़ोगे। जैसे मान लो ये लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, यानी दो फेजों के बीच में पूरा कंट्रोल हो गया। तो एक एनवीसी का पॉइंट लाइन थ्री के साथ जोड़ दिया, लाइन वन का पॉइंट आपको एनसी के फर्स्ट नंबर पॉइंट पे जोड़ना है, एनसी का दूसरा पॉइंट चौथे नंबर पॉइंट पे जोड़ना है। अब देखो भाई एक ही कनेक्शन आप देखा, वो एनवीसी को फर्स्ट नंबर पॉइंट थर्ड नंबर के साथ जुड़ जोड़ा है, सेकंड नंबर लाइन वन वाला ये पॉइंट ये आपके इसके पहले नंबर पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, ये इसका दूसरा पॉइंट ये चौथे नंबर पे जुड़ा हुआ है। अब यहां से एक आप देखोगे तो सीधी आपके यहां स्टार वाले पॉइंट पे जा रही है, उसके बाद में एक ये जो पॉइंट है ये आपके कॉन्टेक्टर के एक नंबर पॉइंट पे जा रहा है, ये कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के साथ जुड़ रहा है। अब उसके बाद में ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर के बाद में ऊपर वाला दूसरा जो पॉइंट आ रहा है वो आपके ये सीधा देखो एनसी नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज के साथ जुड़ रहा है, ये आपके एनवीसी का एक पॉइंट आपके इसके यहाँ से जुड़ रहा है, यहाँ से आपके एनवीसी के साथ, और एनवीसी का दूसरा पॉइंट आपके दूसरी एनवीसी से इधर घूम के यहाँ आ रहा है वापस। तो इस प्रकार की एक कंट्रोल वायरिंग है। हर बंदा सर्किट डायग्राम का अकॉर्डिंग से एक होती है पावर वायरिंग, दूसरी होती है कंट्रोल वायरिंग। पावर वायरिंग में ज्यादा भेद नहीं है, आर वाई भी मेन से उठा के डेल्टा में देना है, डेल्टा से स्टार में देना है, ये होगी पावर वायरिंग। मेन होते हैं कंट्रोल वायरिंग, ये सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, ये आपके ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। अब ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक विशेष बात क्या है, इसमें एक टाइमर लगा हुआ, इसमें केवल एक दफे ऑन पुश बटन को दबाना है और मोटर आपकी पहले स्टार में चलेगी, कुछ सेकंड के बाद में ये डेल्टा में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि ये टाइमर इसे एक निश्चित समय के बाद में डेल्टा में कन्वर्ट कर लेता है। और सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा में आपको ऑन पुश बटन पहले दबा के रखना है, जब मोटर अपनी 75% गति प्राप्त कर लेती उस समय
फोन पुश बटन से अपना हार को हटा देना है। अब इसको चेक कैसे किया जाता है, एनवीसी को चेक कैसे किया जाता है, थर्मल ओवरलोड रिले को चेक कैसे किया जाता है और कॉन्टेक्टर को चेक कैसे किया जाता है, वो चीज हर बंदा एक एक बंदा करेगा। आपको सीरीज चेस्ट के अंदर सप्लाई को देना है और सप्लाई को चेक करना है सीरीज चेस्ट के द्वारा। सबसे पहले आपको ऑफ पुश बटन यानी नॉर्मली क्लोज, देखो यहाँ लगाते हैं आपके, ये क्या हो गया नॉर्मली क्लोज, यहाँ से दबा के देखो ऑफ हो जाना चाहिए, ये हो गया आपका ऑफ पुश बटन। ये है ऑन पुश बटन, ये ऑलरेडी ऑफ में रहेगा, देखो लैंप नहीं जला, जैसे दबाओगे लैंप चालू, तो एनओ एनसी का पता चल गया। ये आपका ऑफ पुश बटन, ये आपका ऑन पुश बटन। उसके बाद थर्मल ओवरलोड रिले के प्रत्येक कॉन्टेक्टर के बीच में आपको लाइन से लाइन चेक करना है, एक सेकेंड नंबर, दो थर्ड नंबर, तीन। अब उसके बाद में प्रत्येक कॉन्टेक्टर को चेक करना होता है, तो कॉन्टेक्टर को चेक करने के लिए देखो पहले के, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ। अब उसके बाद में आपको एनवीसी अपनी काम करेगी, ये दूसरे की एनवीसी डेल्टा वाली, उसके बाद में ये स्टार वाली, ये हो गई। अगला कॉन्टेक्टर चेक कर लो, ये लाइन वन, ये लाइन टू, ये लाइन थ्री, उसके बाद स्टार की, स्टार में तीनों पत्ती देखो कॉमन हो रखी है, यानी ये तीनों को आप चेक कर लो, ये। उसके बाद इसकी कंट्रोल वायरिंग है, अब आप इसे चेक करना चाहो तो चेक भी कर सकते हो। सबसे पहले सेमी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, अब इसको जैसे यहाँ लगाते हो तो कुछ समय तक आपको दबा के रखना पड़ेगा। पहले ये मोटर क्या चलती है, स्टार में चलती है, ये मोटर चल रही है अभी स्टार में, और कुछ समय के बाद में ये डेल्टा में, ये टाइमर इसे डेल्टा में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार से सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा की हमने कंट्रोल वायरिंग कर रखी है। अब इसके अंदर भी आपको दबाए रखना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ता है, दबाए रखना पड़ता है। जैसे ही मैं ऑन पुश बटन से हाथ हटाता हूँ, ये मोटर क्या होगी।